हेलो हाय नमस्कार प्रणाम आप सभी प्यारे दर्शकों को। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारे चैनल गौरव दत्तुड़ी ऑफिशियल को। तो दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद मैं यह वीडियो शूट कर पा रहा हूं क्योंकि आजकल मैं अपने जन्मभूमि अपने गांव में आया हूं। तो दोस्तों आज मैं अपने गाँव से कुछ प्यारे प्यारे दृश्य आप लोगों के लिए जरूर लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। तो दोस्तों हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत, प्यारी सी खूबसूरत सुप्रभात हो चुका है और आजकल खेतों में धान की कटाई भी हो चुकी है, मनाई भी हो चुकी है और पीछे देख सकते हैं आप जैसे कि लोगों ने खेतों में गोबर भी डाल दिया है और कुछ दिनों बाद यहाँ पे हल लगने वाला है और गेहूं का बीज यहाँ पे बोने वाले हैं लोग। और ये पीछे आप देख सकते हैं ये है हमारे गाँव का हॉस्पिटल सामने और उसी के ऊपर रोड है वहाँ पर। और ये प्यारा सा सुबह का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने गाँव से। और ये हमारा टॉमी यहाँ पर रोटी खाते हुए, ये देख सकते हैं आप, ये रोटी खा रहे हैं यहाँ पर। और देखिए दोस्तों सुबह सुबह यहाँ पे राजमा की दाल भी हमारी दादी जी ने धूप में सुखाने के लिए डाल दी है। ये शुद्ध पहाड़ी राजमा है, ये पहाड़ों में ही होती है। और साथ में ये है कोदा जिसको मंडवा भी कहते हैं। और साथ में ये है गहात की दाल और अभी इसमें कुछ कबाड़ा छाँटने को बाकी है। और ये साथ में हमारा डॉग, ये भी डरा हुआ है। और दोस्तों सुबह सुबह देख सकते हैं आप पहाड़ों में, बिल्कुल अगर आप पहाड़ से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये क्या है। ये है मंडवे कोदे की रोटी और ये थोड़ा सा इसके साथ चाय, पहाड़ी हो तो चाय तो ज़रूर पीऊँगा। और ये है कड़वे टमाटर की सब्ज़ी और ये थोड़ा सा रात की सब्ज़ी बची है और ये थोड़ा सा मक्खन यहाँ पे। तो दोस्तों सुबह सुबह नहा धोने के बाद अब मैं नाश्ता कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये साथ में हमारी दादी जी भी बैठी है नाश्ता करने के लिए और दादी जी भी नाश्ता थोड़ा एक दो पीस भगवान जी को चढ़ा रही है हमारी दादी जी, जैसे कि पुराने लोग चढ़ाते हैं। ये देखिए ये दादी जी भी बैठी हमारे साथ नाश्ता करने के लिए और मैं भी बैठा हूँ नाश्ता करने के लिए और खाते हैं पहाड़ी कोदे की रोटी। तो चलिए दोस्तों बनी रहिए, देखते रहिए। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ लाजवाब ही टेस्ट मंडवे की रोटी, कोदे की रोटी यहाँ पर। और दोस्तों ये पहाड़ों के बीच मेरा छोटा सा घर मैं आपको दिखा रहा हूँ और सामने आप देख सकते हैं प्यारा सा दृश्य। और आज हल्के हल्के बादल भी आए हैं और प्यारी सी धूप यहाँ पर खिल उठी है और दिन का समय भी 11 बज रहे हैं। और ये देखिए प्यारा सा दृश्य। और दोस्तों यहाँ पर धूप में हमारी दादी जी अभी आराम कर रही है, सो रखे हैं। ये देखिए डोंडिस, इसका नाम हमने डोंडिस रखा है, प्यारा सा कुत्ता। पहाड़ी होना छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, पहाड़ी होने के लिए आपके अंदर एक अलग ही जज्बा होना चाहिए। देखिए किस प्रकार पहाड़ की महिलाएं खेतों में काम करती है, इस प्रकार हमारे पहाड़ों में काम होता है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। चल चल बराबर चल। अरे सीताराम भाई यहाँ पे जबरदस्त हल्का आनंद लेते हुए। मनीष भाई भाई कूल लगते हैं। मनीष तो दोस्तों अभी बज चुके हैं दिन के 1 और अभी हमारा खाने का टाइम हो चुका है। ये देख सकते हैं आप पहाड़ी शुद्ध ये दही है और आज बना है कड़ी का साग। और ये देखिए आप ये ककड़ी के पीस पड़े हैं, थोड़ा सा अचार लिया है और ये पहाड़ी घरिया चावल, घर के चावल। और अब मैं खाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप दिन के 1 बज चुके हैं और प्यारी सी धूप खिली हुई है और पहाड़ों का बहुत ही प्यारा मौसम। और अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। Bang bang
तो दोस्तों अभी इवनिंग वॉक के लिए निकले हैं दोस्तों के साथ, और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, टोपी भी डाल दी है और बहुत ही ज़्यादा नाक पहले से बीमार और नाक से बिल्कुल पानी बहने को हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जुकाम चल रहा है आजकल गाँव में, बहुत ही बुरा हाल ठंड से। देख सकते हैं आप पूरा जंगली जंगल पूरा धुंध पड़ा है, और सामने आप देख सकते हैं ये हमारा घर छोटा सा पीला वाला, और ये सामने ऊपर सा ये पूरा गांव, ये पूरा हमारा गांव है गंडियालदार, और ये ऊपर के मुंडा खाल नगरी भी बोलते हैं छोटे। और अभी तो दोस्तों अभी है शाम का समय, 6:50 हो चुके हैं, और ये देखिए पहाड़ी स्टाइल में, ये देखिए यहाँ पे सब्जी बन रही है, ये हमारा पहाड़ी चूल्हा, ये है सोयाबीन बड़ी, और दोस्तों इसके साथ है आलू, और आलू और सोयाबीन की सब्जी आज बनने वाली। सोयाबीन इसमें डाल चुके हैं, और ये लकड़ियाँ शुद्ध पहाड़ी स्टाइल में लकड़ियों के द्वारा यहाँ पर सब्जी तैयार होते हुए, ये देखिए आप। और आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ठंड हो और चूल्हे पे ना बैठा जाए ये हो ही नहीं सकता। एक पहाड़ी ये सब्जी यहाँ पे बन रही है, हमारी माता जी बना रही है। और दोस्तों अगर आप पहाड़ी हैं और आपने चूल्हे की आग नहीं तापी तो आप पहाड़ी हो ही नहीं सकते, इसलिए मैं भी आज यहाँ पे आग तापने बैठा हूँ, और साथ में सब्जी यहाँ पे बन रही है, और पीछे ये पतीले में ये पानी रखा है गर्म पानी। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये पहाड़ी तवे के ऊपर हमारी ये रोटियाँ बन रही है, और ये आग से यहाँ पर सिक रही है, ये देखिए। और कुछ रोटियाँ यहाँ पे हमारी माता जी बेल रही है, ये देखिए एक रोटी यहाँ पे पक चुकी है पहाड़ी स्टाइल में, और ये रोटी अंगारों में फूलते हुए देखिए बहुत ही लाजवाब टेस्ट। चूल्हे की रोटी का तो अलग ही अंदाज है दोस्तों, अलग ही टेस्ट है, अलग ही स्वाद है।